अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गोला कबाब की रेसिपी। ये मैंने 800 ग्राम गोश्त साफ रोटियों का ले लिया था, उसे मशीन में अच्छे से निकलवा लिया है और सिल्वर भी मैंने इसे दो बार पीस लिया था। दो बड़ी प्याज मैंने ग्रेट करके रखी थी, उसका पानी एकदम निचोड़ कर उसमें डाल दिया है मैंने। अब हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली थी, वो भी मैंने ग्रेट करके रख ली हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं बारीक करके एकदम, और ये लहसुन भी मैं इसी में डाल देती हूँ। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है इसमें। एक चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं इसके अंदर मैंने। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें, और 2 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला डाला है इसमें। देखिए सभी मसाले मैं डाल चुकी हूँ इसमें। अब इसे अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। एक कबाब खाने में बहुत ही जायकेदार लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। अब इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। गोश्त को हमें अच्छे बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि हमारे गोश्त में लेस पड़ने लगे। 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें। उसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। इसे मैं पेंसिल पे बनाने वाली हूँ, आप अगर सलाई है आपके पास तो सलाई से बना लीजिए। देखिए हाथों से अच्छे अच्छे से पुश करके धीरे धीरे हम पेंसिल डालेंगे इसमें और एक शेप दे देंगे इसकी। छोटे छोटे गोलों को हम और तवे पर ही फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। ये बनाने में भी बहुत आसानी से बन जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। एक बार मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है। इसके हमें छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं। अगर आपने भी अभी तक कबाब नहीं बनाया तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए सारे कबाब मैं बना चुकी हूँ, मैं इसे चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप किस कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है।